नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों हम ईश्वर से भी प्रे करते हैं कि आपके जीवन की सभी खुशियां आपको मिले, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा खास होता है। बल्कि दोस्तों तंत्रों में भी इन सभी के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। जी दोस्तों, जो बेहद ही खास होती है, जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खास जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। जी दोस्तों, हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और दोस्तों आपको बता दें कि बाहर निकलने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है और आप पर प्रभाव डालती है। जी दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताए हैं कि हर किसी व्यक्ति का अपना ऑरा होता है। जी दोस्तों, तो बस जिस प्रकार से उस व्यक्ति का ऑरा होता है, उसी प्रकार की चीज़ें उनके जीवन में आकर्षित होती है। और दोस्तों कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, और कुछ लोगों का और ऐसा होता है कि वह मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जितने भी इन संसार में अदृश्य शक्तियां होती है, वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती है। जी दोस्तों, जब दोस्तों आप किसी मंदिर पर जाते हैं तो उस समय हर व्यक्ति अपने आप में सुखद महसूस करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होते हैं तो वह मंदिर में जाकर बैठते हैं, और दोस्तों वहां पर तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं ऑरा पर प्रभाव डालते हैं और वह व्यक्ति सुकून अनुभव करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा ऑरा पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक स्थान पर जाएंगे जहाँ पर नकारात्मक व्यक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो खुद ही उन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और यह दोस्तों सभी लोग अपने जीवन में एक ना एक दिन महसूस किए ही होते हैं। जैसे कि दोस्तों जब भी आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी से उत्पन्न होने लगती है। वह इसलिए होती है कि दोस्तों वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है और वह सीधा ऑरा पर प्रभाव डालती है। और दोस्तों ऑरा आपसे जुड़ा हुआ होता है तो आपको तुरंत लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आगे आपको और भी बड़ी जानकारी के बारे में बतलाएंगे। तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान से सुनकर, सभी बातों को ध्यान से समझें दोस्तों, जिससे आप यह जानकारी का लाभ उठा पाएं और दोस्तों दूसरों को भी बता पाएं। दोस्तों सभी बातों को सुनना, जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और दोस्तों इसी प्रकार तंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम आप सबको बता दें कि हम अपने सभी वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां बताते हैं, इसलिए दोस्तों सभी जानकारियों को सुना करें जिससे आप भी समझ पाए हैं कि चीज़ें किस प्रकार कार्य करती है। तो दोस्तों चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी दोस्तों इंसान का अपना अलग अलग ऑरा रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार हर चीज़ का अपने ऑरा होता है, बस इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, जिससे दोस्तों भगवान शिव का हमेशा कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस भी इंसान पर भगवान शिव की कृपा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों जिस भी चीज़ की वह कामना करते हैं तो निश्चित रूप से उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों इस ब्रह्मांड के गुरु केवल शिव जी हैं, इसलिए दोस्तों भगवान शिव के ऐसे भक्त होते हैं उनमें यह खास बात देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी किसी चीज़ का सामना डट कर करते हैं, हार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और उन्हें अंदर से यह लगता है कि हर चीज़ को वह प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यह चीज़ दोस्तों जो ना हारने वाली होती है, यह दोस्तों बहुत ही कम लोगों में होती है।
ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों और समस्याओं से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी परेशानियों से हारना नहीं चाहिए, कि दोस्तों परेशानियां होती तो है लेकिन दोस्तों इसे समाप्त बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। आपको बता दें कि काफ़ी वीडियो में हमने आपको बताया है कि हर इंसान में एक ऑरा होता है। दोस्तों हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है और यह तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों हर चीज़ में केवल एनर्जी होती है, हर एक चीज़ में केवल एक एनर्जी होती है और दोस्तों एनर्जी जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में दोस्तों केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में जो संपूर्ण जानकारियाँ रखते हैं। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है वह ऑरा यानी एनर्जी पर बेस्ड होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं के माध्यम से तंत्र क्रिया भी किया जाता है, इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों यह हर इंसान के आसपास जैसे दोस्तों रेनबो होता है, इसी प्रकार दोस्तों सात रंगों का आभा मंडल भी होता है। यानी कि दोस्तों सात चक्रों में से किसी में कोई ना कोई अगर गड़बड़ होती है तो दोस्तों वहीं से जीवन में परेशानियां उत्पन्न होते होने लगती है। जैसे किसी व्यक्ति के मणिपूर्ण चक्र खराब होते हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है और दोस्तों उनमें जोड़ों की दर्द की समस्या होने लगती है। उसके बाद दोस्तों उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता, किस्मत पूरा दुर्भाग्य में बदल जाती है। क्यों दोस्तों तंत्र में बताया गया है कि मणिपूर्ण चक्र जो होता है वह दोस्तों धन का स्थान होता है, यहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और दोस्तों मणिपूर्ण चक्र का कलर पीला होता है। जी दोस्तों जब भी किसी के आभा मंडल में या खराब हो जाता है तो दोस्तों उनके जीवन में धन की परेशानी आने लगती है। इसी प्रकार दोस्तों किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो दोस्तों ऐसे इंसान के शत्रु वर्ग बढ़ जाते हैं और दोस्तों वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते और दोस्तों वह व्यक्ति शत्रुओं से हमेशा घबराए हुए चिंतित रहते हैं। फिर उसके शत्रु दोस्तों हमेशा उसे परेशान करने में लग जाते हैं। दोस्तों मूलाधार चक्र जो होता है यह माँ काली का स्थान बताया जाता है और दोस्तों यही कारण है कि दोस्तों जो माँ काली का भक्त होता है वह कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि दोस्तों उनके शत्रु माँ काली के भक्तों को देखकर ही भाग जाते हैं। जी दोस्तों कि दोस्तों माँ काली के भक्तों की आंखों में ऐसी गजब की शक्ति होती है, वह केवल अपने शत्रुओं को आंख भर देख ले तो दोस्तों उनके जीवन काल में हड़कंप सी मच जाती है। जी दोस्तों तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलें तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी धन का कार्य करने जा रहे हो जो किस्मत से जुड़ा हुआ हो, फैंसी से जुड़ा हुआ हो या फिर कर्ज से जुड़ा हुआ हो, ये दोस्तों वगैरह हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि पीली हल्दी हमेशा जेब या फिर अपने पर्स में आप रख कर ही बाहर निकलें। जी दोस्तों पीली हल्दी की कोई भी आप उन्हें काट कर ले सकते हैं, क्यों दोस्तों यह गुरु ग्रह का वस्तु बताया गया है। जी दोस्तों भगवान विष्णु के कारक वस्तु हैं। पीली हल्दी की जो गांठ होती है उसे बार बार टच करने से मणिपूर्ण चक्र में बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं होती है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, जिससे दोस्तों धन वर्षा होने लगती है, जीवन में खुशियां बढ़ने लगती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस प्रयोग को लोग किया करते थे कि दोस्तों नाभि के आसपास हल्दी थोड़ा लगा देते थे। इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, आसपास लगानी है, क्योंकि दोस्तों मणिपूर्ण होता है नाभि के दो उंगली के ऊपर। जी दोस्तों वहीं पर आप हल्दी लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी आप रख सकते हैं। इसे दोस्तों धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और दोस्तों जो भी आपके जीवन काल में कष्ट हैं, धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं दोस्तों वह सभी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर आप इस प्रयोग को शुरू करें। और दोस्तों साथ ही दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर आपके शत्रु बन जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता ही रहता है, क्यों दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट में कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, उनका कोई आदर सत्कार नहीं करता है, भले ही वह दूसरों का अच्छा करते हैं पर उनका कभी भी अच्छा ही नहीं होता।
दोस्तों आपको बता दें कि आप पेशे में क्या करना चाहिए। दोस्तों आप केसर का तिलक लगाएं, प्रतिदिन आप इस क्रिया को शुरू करें। जहां भी आप जाएं तो दोस्तों आप केसर का तिलक लगा कर ही जाएं। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इससे धन से जुड़ी समस्याएं तो खत्म होंगी ही, साथ दोस्तों इनसे आपको शत्रु भी परेशान नहीं करेंगे और जो शत्रु हैं वो आपसे मित्रता का स्वभाव रखने लग जाएंगे। और दोस्तों अब इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे थर्ड आई के बीच में ही लगानी है। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सही जानकारी इस वीडियो में आप सीख गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी आज जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।